कहा है कि बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, मगर यस सपोर्ट मिलेगा, फास्ट बॉलर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें सोच के जो है वो श्रीलंका ने सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बॉल हिले चलता भी है और पास को 280 में खल उसने 280 जो मुझे सुनने में बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर फ्लैट विकेट तो ना हुआ, बैटिंग विकेट तो ना हुआ, क्योंकि आजकल तो बैटिंग विकेट का मकसद ये है कि 400 रन। आजकल तो बैटिंग विकेट का मतलब ये जो इस वक्त धर्मशाला में हो रहा है, जो 40 ओवर में मैं अब 300 कर गए हुए हैं, 307 हो गए हैं, 42nd ओवर इस वक्त जारी है और ये बैटिंग विकेट होता है जिसमें आपको 400 रन करने, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि जैसे उसने कहा है। बहरहाल बाज का आप सरफेस से धोखा भी खा जाते हैं, आप क्या देख कुछ रहे होते हैं हो कुछ जाता है, लेकिन ये है कि जो आजकल ट्रेंड है अगर वाकई वो विकेट ऐसी है तो वो वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने तो टारगेट आएगा, बिल्कुल ये टारगेट के हिसाब से खेलेंगे। श्रीलंका वाले अगर उसको बैटिंग विकेट समझे और थोड़ा सा वो हुआ तो वो जल्दी विकेटें भी दे सकते हैं। वैसे यूसुफ मैं एज अ बैटर आपसे एक जरूर ये बात जानना चाहूंगी, जब एक टारगेट सामने होता है कन्वीनियंस ज्यादा हो जाती है बैटर्स को, आपको पता होता है कि अपनी इनिंग को किस किस तरह जो है एक अलग अलग डब्बों में डाल के इतना मेरा टारगेट शॉट फिर टारगेट फिर आपको पता होता है, या फिर जब आप टारगेट सेट करने जा रहे होते हैं उस वक्त ये होता है कि नहीं जी खुला मैं जितना खेल सकता हूँ खेलूं, दोनों में से क्या माइंडसेट बैटर को सूट करता है? देखिए अगर तो विकेट इवन है दोनों पहली बारी भी और दूसरी बारी में इवन रहेगी तो मेरा ख्याल है बैटिंग कर लेनी चाहिए जी। आप टारगेट एक सेट कर दें, फ्लैट विकेट पे भी दूसरी इनिंग में आपने 450 लगाया और 400 लगाया एक प्रेशर होता है, एक दो विकेटें गिरती तो आपको मुश्किल हो जाती। देखें श्रीलंका बहुत अच्छा खेला लेकिन विकेटें गिरती गई वो मैच हार गए, अगर वैसे देखें तो उन्होंने तो इसलिए वो फ्लैट विकेट थी, उसमें इन्हें चांस लेना चाहिए था बैटिंग का। अगर ये 350-400 करते शायद साउथ अफ्रीका इस तरह मैच ना जीतता, इस तरह भी जीता, शायद उनकी एक दो विकेटें गिरती वो प्रेशर में आते। तो मेरा ख्याल है कि इवन विकेट हो तो बैटिंग पहले करनी, अगर आपको लग रहा है कि बाद में यहाँ हमें मौका मिल सकता है स्पिन हो जाएगा या वेयर टेयर की वजह से बॉल सही तरह बैट पे नहीं आएगा फिर आप कर सकते हैं। सही बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नूर सा आ गया है हमारे सेट पे ना, कुछ नूरानी सी एक चीज हमें अचानक से चीज हमारे पसंदीदा हम सबके पसंदीदा मुशी भाई मुश्ताक अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, और जैसे कि आप आए हैं और एकदम हमारे पूरे सेट पर रौनक सी आ गई है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई है, नूर फैल गया है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की नेमत है कि जब एक दूसरे को देख के बंदा खुश हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है अल्लाह की। मुशी भाई थोड़ा सा फिल्टर भी है वैसे और मुझे बिल्कुल नहीं पता ये फिल्टरों का, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं आता मुझे। नहीं, नहीं। बिल्कुल, जब आपके पास महंगा वाला फोन होता है तो वो फिल्टर खुद ही लगा देता है अच्छा ये वैसे खावतीन को ज्यादा पता है इन चीजों का काउंटर अच्छा काउंटर किया आपने, अच्छा फीडबैक किया। बट मुशी भाई वेलकम, बड़े आप रिलैक्स लग रहे हैं भाई, मतलब अच्छा आई होप कि आपके जो है जो इस काम के लिए आप गए थे वो अच्छे तरीके से हो गया हो। यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, हाउ डू यू लुक एट दैट? अभी हम उसी के हवाले से बात कर रहे थे। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि अब रिसेंटली लोग ना बैटिंग करने जा रहे हैं, आई डोंट नो आई गेट कंफ्यूज्ड एक्चुअली समटाइम्स सिचुएशन को पिचेस को देख के, फिर लगता है 300 प्लस यहाँ पे चेज हो सकता है, या समटाइम ये लगता है कि पता नहीं पिच में सुबह जो मतलब दोपहर को जब आप बॉलिंग करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर के लिए कुछ होता है तो लोग उनको आउट करके कम से कम टारगेट चेज करना चाहते हैं। बट आई हैव सेड दैट आई थिंक मुझे तो हमेशा मैं इस चीज पे कंफर्टेबल फील करता हूँ कि बैटिंग करके स्कोर आप ऊपर डालें और जितनी मर्जी मुश्किल पिच हो आपको फिर भी चांसेस होते हैं आपके पास मैच जीतने का, और मेरा ख्याल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इसलिए किए हैं कि उनको थोड़ा सा पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना वल्नरेबल है मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, तो आई थिंक ये तो तीन चार चीजें टेक्टिकली उन्होंने सामने रख के ये किया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ 270-280 भी करते हैं, अगर बाबर रिजवान आउट हो जाते हैं, इमाम तीनों में से मेन प्लेयरों में से एक दो आउट हो जाते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू चेज। उस्ताद भाई अब्दुल्ला शफीक आज टीम में आए हैं, फखर जमान को आज रेस्ट दिया, हमारा तमाम जो पैनल था वो इस बात पर मुत्तफिक था कि फखर को इंडिया वाले मैच तक एटलीस्ट खिलाना चाहिए, तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक या तो पहले मैच में ही वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही नहीं खिलाना चाहिए था, अब्दुल्ला शफीक को ही खिलाना चाहिए था, मगर अगर खिलाया तो अब थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए था। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है
कंटिन्यू करने से ये होगा कि शायद फखर आप जो आप ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, तो वो ट्रस्ट के ऊपर वो एक दो मैचों में आपको उसका वो फॉर्म वापस आ जाती जिस तरह फखर मारता है, शायद वो he can come out from the failure. But I think अब्दुल्ला शफी के आप ऊपर डबल प्रेशर होना है, उसको पता है कि जी आप मुझे परफॉर्मेंस भी देनी है, मुझे अच्छा भी खेलना है. And I'm sure, you know, like Babar and the team management और इंजमाम भी वहाँ पे हैं, तो उनको बैकअप करेंगे, उसको बकअप करेंगे और उसको शाबाश देंगे. और आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल से अब्दुल्ला शफीक जाएगा तो आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस इन सेम टाइम. और मेरे ख्याल से हम हमेशा ना ये वी जस्ट मिस द ट्रिक कि जी जिस टाइम पे आपने ड्रॉप करना है, मे बी एशिया कप था आपके पास पूरा, एशिया कप में आप फखर को रेस्ट कराते और अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस देते और खिलाते और उसके बाद फिर या तो फिर से अब फखर को आखिरी मैच फिर खिला देते, मतलब कुछ इस तरह प्लान करते कि आपको वर्ल्ड कप एट स्टेक नहीं डालना पड़ता. क्योंकि इसी तरह हमने हसन अली के साथ किया था, फॉर्म नहीं थी, खिलाते रहे एंड इवेंचुअली जब व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट उस वक्त आपने ड्रॉप कर दिया था हसन. अच्छा मुझे लगता है कि देखें फखर जिस तरह का प्लेयर है ना वो मैच विनर है. अगर चल गया तो वो मैच सीधा, मेरा ख्याल इसी को वो चांस ले रहे थे कि आज चल जाए आज. वो अब वो बेचारे की फॉर्म बहुत बुरी हो गई, वो कंटिन्यू कर गया इस मैच में भी जो लास्ट मैच खेले उसमें भी, तो मेरा ख्याल उन्होंने समझा कि अब इनफ है कि बहुत चांस दे दिया है, तो मैनेजमेंट ने शायद इसलिए चेंज कर लिया हो. वरना क्रिकेटिंग सेंस तो यही कहती है कि आपने अगर पहला वर्ल्ड कप का मैच खिलाया तो कंटिन्यू कर लें दो तीन गेम, जो हमने उस वक्त भी कहा था अगर ये तीन मैचेस तक कंटिन्यू कर लें, अगर नहीं चलता तो फिर आप मूव ऑन कर लें. लेकिन बहरहाल अब हमें बैक करना है पाकिस्तान टीम को, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए जो भी किया है उन्होंने अपनी सारी बैठ के बात की होगी, ये किसी एक का डिसीजन नहीं होता, सब ने मिल के किया होगा, मैनेजमेंट कैप्टन सब बैठे होंगे इसमें. तो अल्लाह करे कि अब्दुल्ला शफीक इस मैचेस में जितने भी अभी खेल रहा और आगे खेल रहा अच्छा खेले, क्योंकि बड़ा प्लेयर या आगे निकलने के लिए प्रेशर सिचुएशन में जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप थ्रू कर जाते हैं, फिर पाकिस्तान को इस शक्ल में बहुत अच्छा प्लेयर मिल जाएगा. बट प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना, इरम हम कह रहे हैं फखर नहीं कर रहा, अब्दुल्ला को बुला लो, फखर नहीं कर रहा अब्दुल्ला, दूसरी तरफ इमाम भी है, क्यों हम ये प्रेशर अब इमाम के ऊपर नहीं डेवलप कर रहे कि ये कैसे हम किसी को वो दे सकते हैं कि इजी चांस आउट दे सकते हैं कि नहीं जी इमाम तो खेलता ही ऐसे तैसे. मगर पार्टनरशिप तो होती है ना कि अगर फखर नहीं कर रहा तो इमाम कैन टेक द चार्ज एंड गिव स्पेस टू फखर कि नहीं जी चलो मैं आज स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि तुम्हें स्पेस मिल जाए, यू कैन टेक दैट ब्रीदिंग स्पेस जिसमें तुम खुद को सेटल कर लो और वो करो. इमाम के ऊपर भी फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं, इमाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है. अब जैसे फखर खेलता है वैसे इमाम नहीं खेल सकता, इमाम अपने तरीके से खेलता है, वो गेम को ले कर चलता है. अगर ये प्रेशर हम इमाम पर डालेंगे तो मुझे लगता है वो अपना जो उसका पार्ट है वो भी नहीं वो रोल अदा कर सकेगा. तो मैंने यही कल बात की थी, जरूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त एक छोटा सा मेरे दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि सिर्फ हम प्लेयर्स को देख सक रहे थे, स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, पाकिस्तान के फैंस नहीं हैं, बट वो एक लड़का जो कि इंडिया की किट पहन के खड़ा हुआ था मगर उसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी टीम को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं. वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं.